अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा में नहीं थे, महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को बुलाया और उनको कहा, सुनिए बात, आप सुनिए पहले, पहले सुनिए, आप मेरे से बहस कर लो, सारा इतिहास में खड़े हो जाते हैं, बैठिए, बकवास मत करते हैं, बकवास करते हैं, कौन करता है, चिल्लाने लगते हैं तो बैठिए, आप आज शराब डाल के कर दिया, बताना इतिहास का सत्य है, ये गांधी जनजाति के विरोधी है, उत्तमा प्रसाद मुखर्जी ने प्रसाद मुखर्जी ही लाए थे, अच्छी तरह पता करो, याद करो, शेर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को है, हमारे महिला सदस्य को दबाया, अंबेडकर जी का अपमान है, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, अंबेडकर जी का अपमान है, हमारे सदस्य को धमका रहे, बिल पे बोलेंगे, बिल के अलावा कोई बात नहीं होगी, दूरी होगा, माननीय सदस्य आप बिल पे बोले, बिल के अलावा कोई मेयर से आने वाले सदस्य को धमका है, सदस्य धकाने का काम कौन कर रहा है, एक गुलाम मानसिकता का आदमी और क्या बोल सकता है, जो व्यक्ति खुद कहे मैं गुलाम हूँ, गुलाम मानसिकता के व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं, तुम्हारी बोलिए, आप बोलिए, जलाने वाले लोगों का साथ देने वाला आदमी नहीं हो, पूरी तरह औरतों को जिंदा जलाने की घटनाओं का समर्थन किया था तुमने, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप तो गुलामी करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते, बैठिए बैठिए, गुलामी करेंगे, अजमेर से आने वाले सदस्य को धमकाया है, अन्य सभापति महोदय के अंदर धमकाया है, अन्य सभापति कर रहे हैं, आप अन्य सभापति महोदय यही एट्रोसिटी कर रहे हैं, धमकाया यही एट्रोसिटी कर रहे हैं, आप बैठिए, आगे जी बैठिए, आप बैठिए, आप अपनी बात करिए, बिल के ऊपर, बिल से हट करके, प्लीज बिल से हट करके नहीं बोलेंगे, बिल पर आइए प्लीज, वैसे भी बोलने वाले होता हूँ, हाँ बिल पर ही बोलता हूँ, एक एक शब्द बिल की बुनियाद पर है, माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को बुला करके कहा कि अंबेडकर देश का सम्मान है, और वो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बने, और बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया, इस बात को देश को भूलना नहीं चाहिए, माननीय सभापति महोदय मैं आपको निवेदन करूंगा, एक दिन की चर्चा रखी जाए, सारे जवाब दे देंगे, मान्य, अरे आप तो ये बताइए, अंबेडकर को धर्म क्यों त्याग करना पड़ा, तुम लोग जिम्मेदार हो इसके, जिसके कारण अंबेडकर को धर्म का त्याग करना पड़ा, तुम लोग जिम्मेदार हो, हम लोग कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया है, सभापति अंग्रेज जिम्मेदार, क्या चाहते हैं, सोचो जाति की महिला को धमकाते हो, शर्म करो, शर्म करो, सोचो जाति की महिला को धमका, अंकित नहीं होगा, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, मैंने चार घंटे इनको सुना, चार घंटे किसी के एक लफ्ज पर, आप बिल पर आइए, सीधे बिल पर आइए, मैं बोल रहा हूँ, मान्य सवाल दिया, बैठिए यार, बैठिए बैठिए बैठिए, अरे आपने अपनी बात कह दी, डिलीट होगा, आप बोलिए, प्लीज सुनिए, आपको इन्होंने सुना है, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य आपको, आप बोले, इन्होंने बड़ी तसल्ली से सुना, अब इनको भी सुनिए, आप माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ, बोलिए आप प्लीज, मंत्री जी से विनती करता हूँ कि आज आज किसी भी जगह कोई भी नई कॉलोनी माननीय सभापति महोदय आदि है रूपांतरित होकर के नई कॉलोनी बनती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी को कोई भूखंड नहीं देता, और इस आधार पर नहीं देते कि तुम आओगे तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे, मैं सरकार से विनती करूंगा कि आप जिस कॉलोनी को भी अप्रूव करें 25% प्लॉट उसमें हर कॉलोनी के अंदर SC ST के लोगों के होने चाहिए, माननीय सभापति महोदय मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, माननीय सभापति महोदय
अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी, अनुसूचित जाति जनजाति का, आप बीच में मत बोलिए, अनुसूचित जाति जनजाति का कोई अधिकारी अगर ट्रांसफर होकर के भी किसी शहर में आ जाता है माननीय सभापति महोदय, तो सिर्फ जाति के कारण उसको मकान किराए में लेने पर भी कठिनाई आती है माननीय सभापति महोदय। ये व्यक्तिगत तजुर्बे से कहता हूं मैं आपको। और माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य सभापति महोदय, ये सुन नहीं सकते कि आपके अंदर क्षमता नहीं है सुनने की? आप भी सुनिए, सुनिए आप भी, बैठा सबको, बैठिए प्लीज प्लीज, चुपचाप सुनिए। माननीय सदस्य अभी आप बोले राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निधि योजना आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग विधेयक 2022 पर, प्लीज लिमिट योर स्पीच अप टू दैट। धन्यवाद, उसी पर आइए आप। धन्यवाद सभापति महोदय, इसके इधर उधर मत जाइए। धन्यवाद आपका। मैं अब आपको विनती करूंगा,